लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाजो, नूर बानो कह रही थी कि तुम कहीं जा रही हो। अशरफ साहब गाड़ी में है, वो मुझे हाजी पीर बाबा के दरगाह पर ले जाएंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। जी, मैंने नाजनीन से वादा किया था कि उसे दाता के दरबार तक ले जाऊंगा। सलाम भी कर लेगी और दुआ भी। मैंने सोच लिया है अम्मी कि मैं अपने आप को हाजी पीर बाबा के हवाले कर दूंगी। वो जो भी मेरे तकदीर का फैसला करेंगे सर आंखों पर। बड़ा नेक ख्याल है बेटी, कब तक वापस आओगी? शायद कभी नहीं। क्यों? अगर उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया और रेफ्यूजी मिल गया तो शायद। मगर क्यों? अम्मी, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो मुझे भूल मत जाना। अगली औलाद कोई कहानी नहीं होती जिसे माँ बाप भूल सके। अब्बू को खबर तो होगी कि मैं जा रही हूँ, मगर विदा करने नहीं है। नाराज है ना अपनी बच्ची से? खैर, उनसे कह देना कि अपनी नादान बच्ची को बेवकूफ समझकर माफ कर दे।
निकाह की तैयारी करें। जी साहब। सुनिए, मुझे प्यास लगी है। पानी लाओ। जो तू मुझको जिस्म से रूह तक मैं धुल जाऊं। मुझे देख जरा, पहचान जरा, मैं तेरा हूं, मैं हूं तेरा, मैं तेरा हूं, मैं हूं तेरा, मैं तेरा हूं, मैं हूं तेरा। काजी साहब को बुलाओ। मेरे दिल में गूंजे यही सदा, मेरे दिल में गूंजे यही सदा, जिसे तू न मिला। काजी साहब, इन दोनों का निकाह करवाइए। आपको कबूल है? मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। रंग में तू है, रूप में तू है, छाँव में तू है, धूप में तू है, तू है रातों में, तू सवेरों में, तू उजालों में, तू अंधेरों में, तू ही सर्दी में, तू ही नरमी में, तू है पानी में, आग में तू है, तू है गीतों में, राग में तू है, ओ तू सुरों में है, ताल में तू है, सोच में तू, ख्याल में तू है। मंदिर मगर अभी भी तो सर, ये अचानक क्या हो गया? सवाल पूछना बंद करो, कुछ करो। मगर मैं क्या करूं? हमारे यहाँ का अस्पताल नजदीक है, इसे वहीं ले चलते। मैं अब कहीं नहीं जा सकती हूँ, मैं दर से मरी जा रही हूँ। तुम कुछ करते क्या? अरे तुम कुछ करो ना यार। अरे मैं क्या करूँ तुम? अशरम ये चलिए, आप चलिए आराम से। लगता है बच्चा जल्दी में है, शायद बच्चा यही हो जाएगा। कुछ समझे तुम? समझ रहा हूँ। क्या खास समझे तुम? कुछ करो ना। मैं क्या करूं? अरे तुम बीएसएफ के कमांडेंट हो, सिर्फ वर्दी और गोलियों के बारे में जानते हो और कुछ नहीं जानते हो क्या? बीएसएफ के कमांडेंट तो आप हो, आप कुछ करो ना। मैं क्या करूं? मुझे तो इमरजेंसी में सिर्फ फर्स्ट एड सिखाया गया है। वो तो मैं भी सीखा हूं, लेकिन ये फर्स्ट एड क्या 10th एड से भी आगे की बात है। सिर्फ बकवास करते रहोगे या कुछ करोगे भी तुम? मैं क्या करूं? तुम एमडी हो, एमबीबीएस हो, कुछ करो। मैं सिर्फ बैचलर हूं। मैं भी बैचलर हूं। तो कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर। लड़की
आपकी है कौन? अरे कोई भी हो, इस समय तो मदद चाहती है। अरे भाई मदद तो हम कर ही देंगे, मगर पता तो चले हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है या फिर कोई और। माँ बनने वाली है, ये काफी नहीं है क्या? अरे बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। चलो चलो चलो, चल फूल मती, ए सकीना कदम बढ़ा, जल्दी कर, चल 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 चल, देखते हैं बेचारी तकलीफ में है। चल अरे दुपट्टा तो देना, ये ढक दो इसे। हाँ यहाँ पर तुम इधर आ जाओ, पर्दा यूं करो। मुबारक हो, लड़का हुआ है। बच्चा दोनों ठीक हो? क्या हो रहा है ये? हाँ लगता है आपकी वर्दी आपको कैलेंडर देखने की फुर्सत नहीं देती। आज 14 और 15 अगस्त के बीच की रात है और ठीक 12 बज चुके हैं। ऐसे 12 बज चुके हैं, इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ भी आतिशबाजी हो रही होगी। और हमारे यहाँ भी सुबह से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में अभी शुरू हो रहा है। यूँ कहिए बच्चे की आयत का जश्न मनाया जा रहा है दोनों मुल्कों में। अच्छा रघुवीर सिंह जी एक बात बताइए, ये जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है वो पाकिस्तानी होगा या हिंदुस्तानी? सब लगे हिंदुस्तानी, रेफ्यूजी बाप है। नाज़नीन माँ है ना, और वो पाकिस्तानी है। अनफॉर्चुनेटली बच्चा बाप के नाम से जाना जाता है, माँ के नाम से। हाँ ये जरूरी नहीं है, I'm sorry। आज भी दुनिया भर में इमाम हुसैन अपनी अम्मी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे यहाँ कृष्ण भगवान यशोदा मैया के लाल के नाम से जाने जाते हैं। मगर हजरत अली और वासुदेव को भी तो लोग भूले नहीं ना। खैर छोड़ो इस बहस को, जहाँ पर ये बच्चा पैदा हुआ है वो जगह ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, नो मैन्स लैंड, इंटरनेशनल बॉर्डर भी तो कहा जा सकता है। तो फिर ये बच्चा कहाँ का शहरी होगा, हिंदुस्तान का है पाकिस्तान का? किसी का भी नहीं और सबका, सारी दुनिया का शहरी होगा ये बच्चा। प्यार मोहब्बत का फूल है, ये अपने लिए एक नया स्थान बनाएगा जिसकी सरहद या सीमा कुछ नहीं होगा, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, और उस वतन का नाम होगा इंसानियत स्थान। No passport, no visa. अगर कोई गरीब लड़की अपनी इज्जत बेचना ना चाहे तो दुनिया का कोई भी अमीर आदमी उसकी इज्जत खरीद नहीं सकता। सुनो, उस दिन तुम शराफत का ढोंग कर रही थी या फिर किसी एक का होना तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है। बेगैरत, तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ अपना जिस्म दिखाती हैं। आगे मैं बोल दूं, मैं अपना जिस्म दिखाती ही नहीं बल्कि बेचती भी हूं, यही ना? और अगर मैं ऐसा करती भी हूं तो गैरत मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने अचानक वर्दी क्या पहन ली, शराफत और गैरत का लेक्चर देने लगा। तुमने गरीब देखे होंगे, गरीबी नहीं, गरीबी क्या होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ मेरे साथ और देखो मजबूरी गैरत से कितनी बड़ी होती है। आओ
ये देखो मेरे मासूम भाई बहन, स्कूल मास्टर विद्यासागर के बच्चे, जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी को गुलिस्तान बना दिया, लेकिन उनके अपने बच्चों को फीस न भरने के वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया गया। और ये है मेरे स्वर्गवासी पिता विद्यासागर। इनके मरने के बाद परिवार को जिंदा रखने के लिए उनकी बेटी को अपनी जिस्म की नुमाइश करनी पड़ी। ये है मेरी उजड़ी हुई वीरान दुनिया, जिसकी तबाही का जिम्मेदार है सिंघानिया परिवार। मेरी शादी पर आशीर्वाद देने आए थे तुम्हारे पिता, लेकिन उनकी आपसी दुश्मनी ने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। सुहागन बनने से पहले ही मैं विधवा बन गई। इस सदमे ने मेरे पिता को दिल का मरीज बना दिया, लेकिन तुम्हारे जालिम परिवार का इससे भी दिल नहीं भरा। सिंघानिया ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक ने मेरे पिता को बेदर्दी से कुचल दिया। न जाने कितने गरीब अमीरों की आपसी दुश्मनी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, और जब मजबूर होकर अपना जिस्म बेचती हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कभी पैसे वालों पर गोली चलाई है, तलाई पकड़ी है किसी अमीर की? है इतनी हिम्मत? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। तुम और तुम्हारा कानून हम जैसे गरीबों के विनाश के लिए बना है। ले चलो मुझे और बंद कर दो हवालात में, मर जाने दो इन बच्चों को भूख से। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें और तुम्हारी सिंघानिया खानदान को? लो गिरफ्तार कर लो मुझे। दीदी ये देखो बुक्स और मुझे डॉल। ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो जो पुलिस अंकल है ना, उन्होंने दिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? बच्चों के लिए कुछ किताबें और खिलौने लाया था। इनका एडमिशन मैंने पंचगनी स्कूल में करवा दिया। जब तक मैं हूँ, मेरे भाई बहन को न किसी की कोई मदद चाहिए, ना किसी का कोई एहसान। मैं जानता हूं मैं एक खुददार स्कूल मास्टर के घर खड़ा हूं, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है। तो फिर और क्या है? हमारी मदद करके तुम अपने दिल, अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो? मैं अपने दिल के बोझ को हल्का करने नहीं, तुम्हारे बोझ को बांटने आया हूं। जरा सोचो पूजा, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इन बच्चों को तुम दो वक्त की रोटी तो खिला सकती हो, मगर समाज में इज्जत नहीं दिलाती। ये समाज इन बच्चों को मास्टर विद्यासागर की औलाद का दर्जा नहीं देगा। मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालना चाहता हूं पूजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। देवा, ओ देवा, इधर भैया। देख देख कौन आया। कौन है? तेरी छोटी भाभी। भाभी? हाँ भाभी। हाँ तेरी छोटी भाभी। भाभी आई भैया, भाभी आई भैया। बाबा बाबा, दीदी। अंजलि क्या हुआ? भैया आपका झगड़ा तो बड़े भैया से था ना, मुझसे किस बात की नाराजगी थी? आप शादी भी कराए, मुझे शादी में बुलाया भी नहीं। मैंने इतनी जल्दी शादी? अंजलि ऐसे खुशी के मौके पे शिकायत नहीं किया करते। आओ अंदर आओ। भाभी ये पूजा है। पूजा पैर छू भाभी के। अरे नहीं, ये तो मेरी बहन है ना?
प्रेम, आज अपने भैया से नहीं मिलोगे? आ जाओ। प्रेम, ये हमारे बड़े भाई हैं, पिता के समान। हमें आशीर्वाद दीजिए। हेलो, राज सिंघानिया को फोन दो। वो तो घर पर नहीं है। राज सिंघानिया से कहना अपने इंस्पेक्टर भाई को लेकर शालीमार होटल पहुंचे, क्योंकि उनकी बहन हमारे कब्जे में है। जितनी देर वो दोनों यहां पहुंचने में लगाएंगे, उनकी बहन के जिस्म में उससे भी ज्यादा जहर हम भर देंगे। हेलो हेलो, लेकिन आप है कौन? हेलो, किसका फोन है पूजा? किसी ने अंजलि को किडनैप कर लिया है। क्या? और उन्होंने फौरन प्रेम और राज भैया को होटल शालीमार बुलाया है। लेकिन लेकिन राज तो घर पे नहीं है। ओह माय गॉड, राज भैया क्या हुआ? तेजस्वी, प्रेम को कुछ मत बताना। राज भैया, मिस्टर राज, मैं तुम्हें शमशेर सिंह और कांतिलाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। बाद में आना। मिस्टर राज, तुम यहां से नहीं जा सकते। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उधर तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और इधर तुम दोनों लड़ रहे हो। क्या हुआ अंजलि को? किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और राज भैया उन्हें छुड़ाने जा रहे थे। अरे, जिस बहन के पास दो जियाले भाई हो, वहाँ कानून का क्या काम? अपने भाई को गिरफ्तार करने का शौक बाद में पूरा कर लेना, पहले अपनी बहन को बचाओ, जाओ, वरना उस मासूम को बोलो। अपनी बहन को बचाने और इस घर की इज्जत को वापस लाने के लिए मुझे एक पुलिस अफसर नहीं, एक भाई चाहिए।